सियाम, उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, रुक जाना। किससे रुक जाना? खाने से रुक जाना, पीने से रुक जाना, जिमा करने से रुक जाना, और अगर मजीद आगे लुगत के एतबार से देखें तो बात करने से रुक जाना, चलने से रुक जाना। ये तमाम के तमाम चीजों के लिए रोजे का लफ्ज इस्तेमाल होता है, सबको सियाम कहते हैं। शरीयत की इस्तेलाह में रोजा अच्छी तरह से जहन में रखें, मखसूस दिनों में मखसूस चीजों से मखसूस औकात में। आदमी अगर मखसूस वक्त में मखसूस दिनों में अगर रुकता है तो इसको शरीयत की इस्तेलाह में क्या कहते हैं, रोजा कहते हैं। दिन मखसूस है, वक्त मखसूस है, चीजें मखसूस हैं और आदमी अल्लाह के लिए रुकता है तो ये रोजा है। दूसरे अल्फाज में शरीयत की इस्तेलाह में रोजे की तारीफ क्या है, अल्लाह ताला की इबादत की नीयत से, अल्लाह की इबादत के तसव्वुर से, तुलुए फज्र से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक जिमा करने से, खाने से, पीने से रुकने का नाम रोजा है। भाई बताएं, एक आदमी खाने से रुक गया, रोजा है कि नहीं है? रोजा है। कौन सा रोजा है? हाँ, यही मसला है, यही तो समझाना है हमको। कौन सा रोजा है? शरीयत वाला रोजा है या डिक्शनरी वाला रोजा है, इसको समझने की जरूरत है। एक आदमी पीने से रुक गया, रोजा है कि नहीं है? कौन सा रोजा है? शरीयत वाला रोजा है? नहीं। शरीयत वाले रोजे की तारीफ ये है कि अल्लाह ताला की इबादत की नीयत और तसव्वुर से, उस गर्ज से, तुलुए फज्र से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने जिमा करने से रुकने का नाम इबादत है। ये शरीयत की इस्तेलाह में रोजा है। किसको कहते हैं किताब? आज के इस दर्स की पहली बात, किताब कहते हैं उसे कि जिसमें एक मौजू और उसकी जिन्स से मुताल्लिक जितनी चीजें होती हैं सबको जमा कर दिया जाता है, उसको किताब कहते हैं। जैसे किताब उस सियाम, रोजों की किताब, तो रोजा एक मौजू है। इस सियाम, इसकी जिन्स से जितने भी चीजें ताल्लुक रखती हैं उन तमामों को एक जगह अगर जमा कर दिया जाता है तो उसको किताब कहते हैं। तो लिहाजा किताब उस सियाम, शाहरुस सियाम में हम उसी के दुरूस का सिलसिला जारी रखेंगे। बाब किसको कहते हैं? बाब कहते हैं कि वो जो मौजू सियाम, उसी मौजू की कोई एक किस्म अगर बयान कर दी जाती है तो उसको, या जिसमें किस्म को बयान किया जाता है उसको बाब कहते हैं। मिसाल के तौर पर बाबुल वजू, सलात का एक बाब है, किताब है, उसमें वजू का एक बाब आ गया, एक किस्म है। ऐसे ही फसल किसको कहते हैं? फसल कहते हैं वो चीजें जो मसाइल से मुताल्लिक हैं, उन मसाइल से मुताल्लिक जुमला चीजों को जिसमें बयान किया जाता है उसको फसल कहा जाता है। जैसे बाबुल वजू है, फसल में क्या होता है? शुरूतुल वजू का बयान होता है, वजू के क्या शराइत हैं उसका तज़किरा किया जाता है। तो पहली बात यह है कि इंशाअल्लाह हम अगले दुरूस में शाहरुस सियाम में किताबुस सियाम के दुरूस का सिलसिला जारी रखेंगे। उसमें कुछ इल्मी बातें होंगी, कुछ निकात होंगे, उन्हीं को याद रखने की आप लोग कोशिश करेंगे। आज के दर्स की दूसरी बात क्या है? सियाम, ये अरबी लफ्ज है, लुगत में इसका माना अल इमसाक, उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, रुक जाना। किससे रुक जाना? खाने से रुक जाना, पीने से रुक जाना, जिमा करने से रुक जाना, और अगर मजीद आगे लुगत के एतबार से देखें तो बात करने से रुक जाना, चलने से रुक जाना। ये तमाम के तमाम चीजों के लिए रोजे का लफ्ज इस्तेमाल होता है, सबको सियाम कहते हैं। एक घोड़ा चल रहा है, चलते चलते अगर वो रुक जाए तो क्या कहते हैं? खैलुन सियाम, घोड़े ने रोजा रख लिया है। क्या मतलब? लुगत के एतबार से घोड़ा चलने से रुक गया है, तो रुकना असल माना है सियाम के लुगत में। ऐसे ही एक काश्तकार
जमीन में दाने को बोता है और साथ ही साथ जमीन को पानी से सींचता है, लेकिन इसके बावजूद जमीन से फसल नहीं निकलती, तो उस मौके पर क्या कहते हैं? अल अर्दु सामत, जमीन ने रोजा रख लिया। क्या मतलब रोजा रख लिया है? फसल को उगाने से जमीन रुक गई, तो रुकना असल इसका मतलब है सियाम का माना। इसीलिए आप देखें, एक आदमी बात करता है, बात करने से रुक जाए तो हम कहते हैं इसने रोजा रख लिया। मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में है कि फलन उकल्लिम अल्यौम इंसिया, बल्कि यहाँ तक है इन्नी नजरतु लिर्रहमान सौमा फलन उकल्लिम अल्यौम इंसिया, मैंने नाम रहमान के लिए बात न करने का रोजा रख लिया है। अब हरगिज हरगिज किसी भी इंसान से लन उकल्लिम अल्यौम, आज के दिन किसी भी इंसान से मैं बात नहीं करूंगा, तो लिहाजा ये भी रोजा है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये लुगत में रोजा है रुकना, जिसका माना है खाने से रुकना, पीने से रुकना, जिमा करने से रुक जाना, ऐसे ही चलने से रुकना, बात करने से रुकना, इसका मफहूम बहुत वसी है। लुगत में जो चीज आती है और लुगत की जो तारीफ होती है उसमें वसात होती है, उसका मफहूम बहुत वसी होता है, खास नहीं होता, मुतय्यन नहीं होता, मखसूस नहीं होता। अब चलिए शरीयत की इस्तिलाह में रोजा किसको कहते हैं? शरीयत की इस्तिलाह में रोजा अच्छी तरह से जहन में रखें कि मखसूस दिनों में, मखसूस दिनों में, मखसूस चीजों से, मखसूस औकात में। आदमी अगर मखसूस चीजों में या मखसूस चीजों से या मखसूस अशिया से, मखसूस अयाम में, मखसूस वक्त में, मखसूस दिनों में अगर रुकता है तो इसको शरीयत की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? रोजा कहते हैं। दिन मखसूस है, वक्त मखसूस है, चीजें मखसूस हैं और आदमी अल्लाह के लिए रुकता है तो ये रोजा है। दूसरे अल्फाज में शरीयत की इस्तिलाह में रोजे की तारीफ क्या है? अल्लाह ताला की इबादत की नियत से, अल्लाह की इबादत के तसव्वुर से, तुलुए फज्र से लेकर के गुरूबे आफ्ताब तक जिमा करने से, खाने से, पीने से रुकने का नाम रोजा है। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अब मैं जरा पूछता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मेरी बातों को समझा है। एक आदमी बात करने से रुक गया तो रोजा है नहीं है? बताएं कोई भी एक, रोजा है कि नहीं है ये? हाँ भाई बताएं, एक आदमी खाने से रुक गया, रोजा है कि नहीं है? रोजा है। कौन सा रोजा है? हाँ यही मसला है, यही तो समझाना है हमको, कौन सा रोजा है? शरीयत वाला रोजा है या डिक्शनरी वाला रोजा है, इसको समझने की जरूरत है। एक आदमी पीने से रुक गया, रोजा है कि नहीं है? कौन सा रोजा है? शरीयत वाला रोजा है? नहीं, शरीयत वाले रोजे की तारीफ ये है कि अल्लाह ताला की इबादत की नियत और तसव्वुर से, उस गर्ज से, तुलुए फज्र से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक खाने पीने जिमा करने से रुकने का नाम इबादत है। ये शरीयत की इस्तिलाह में रोजा है। तो लिहाजा इस बात को जरूर जहन में रखा जाए कि शरीयत की इस्तिलाह जब होती है तो खास होती है, लुगत में जब हम जाते हैं तो बहुत आम हो जाता है। किसी भी चीज से आप रुक जाइए, चलने से रुक गए, रोजा है कि नहीं है? कौन सा रोजा है? लुगत का रोजा है, शरीयत का रोजा नहीं है। बात करने से रुक गए, क्या है ये? रोजा है कि नहीं है? रोजा है। कौन सा रोजा है? लुगत का रोजा है। और इसमें वसात पाई जाती है, इसके मानी में, इसके मफहूम में वसात है, कुशादगी है। लुगत का मामला ऐसा होता है, सिर्फ एक चीज इससे मुस्तस्ना है, उसी को समझाने के लिए मैंने आप लोगों से सवाल किया है। जब लुगत में वसात होती है, उसके मफहूम में कुशादगी होती है, शरीयत की इस्तिलाह जब आती है तो माना मतलब मफहूम खास हो जाता है, तो ईमान के मामले में ऐसा नहीं है। ईमान के मामले में उल्टा है। लुगत में ईमान कहते हैं तस्दीक करने को। किसको कहते हैं? तस्दीक करना। तो फिर ये आम हुआ खास हुआ? देखिए, लुगत का मफहूम आम था, लेकिन ईमान के मामले में जब हम आ गए तो लुगत में ईमान का माना तस्दीक करना है, तो अभी आम नहीं।
लिहाजा भी खास तस्दीक करना। लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में जब आप जाएंगे तो यहाँ मफहूम आम है। ईमान किसको कहते हैं? ईमान कौल को कहते हैं, ईमान फेल को कहते हैं, ईमान तस्दीक को करते हैं। तो लिहाजा तीनों चीजों को शामिल कर लिया गया, इसमें उमूम दाखिल है। तो लिहाजा इस बात को जरूर जहन में रखना चाहिए, जो भी लुगत की तारीफ होती है उसमें उमूम होता है, उसका मफहूम वसी होता है, और जो शरीयत की तारीफ होती है उसका मफहूम खास होता है, सिवाय ईमान के। ईमान में लुगत की तारीफ जो है ना वो खास है, और शरीयत की तारीफ बहुत आम कर दी गई है। यानी मतलब कौल जो भी है, फेल जो भी है, तस्दीक जो है, इन तमाम चीजों को ईमान कहा जाता है। तो इस हवाले से पहली बात इसको जहन में रखना चाहिए। दूसरी बात ये इस सिलसिले में जो बहुत बुनियादी है कि आदमी इबादत की तस्वीर से रोजा रखे। किस तस्वीर से रोजा रखे? इबादत के तस्वीर से रोजा रखे। शौक में अगर कोई आदमी रोजा रखता है तो शरीयत का रोजा नहीं है। एक आदमी शौक में नहीं, आदत की वजह से रोजा रखता है तो ये आदत की वजह से उसका रोजा रखना शरीयत का रोजा नहीं है। एक आदमी अपने पेट की गंदगी को बाहर निकाल करके सेहत पाने के इरादे से रोजा रखता है, ये शरीयत का रोजा नहीं है। शरीयत का रोजा कौन सा है? अल्लाह की इबादत के तस्वीर से रोजा रखना कि ये जो मैं रोजा रख रहा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझसे इसका मुतालबा किया है, अल्लाह ने मुझ पर इसको फर्ज किया है, और ये अल्लाह ताला का फरीजा है, मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए इसको रखता हूँ, तो ये रोजा इबादत होगा। अल्लाह ताला ने इसको फर्ज कर दिया। तो अच्छी तरह से जहन में रखा जाए, इबादत की तस्वीर से आदमी को रोजा रखना चाहिए। ये अलग बात है कि रोजा रखने से सेहत भी मिलती है, सेहत भी बनती है, लेकिन ये है कि अपने पेट से फुजलात खारिज करके मुझे सेहत बनाना है इसलिए मैं रोजा रखना चाहता हूँ, शरई रोजा नहीं होगा। क्या कहा था शरीयत की तारीफ में रोजे के? अल्लाह ताला की खुशनुदी पाने की गर्ज से, इबादत की तसव्वुर से, इबादत की नीयत से, तुलुए फजर से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक खाने पीने जिमा करने से रुकने का नाम रोजा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो दो और बातें आज के दर्स में याद रखें जो बहुत बुनियादी हैं, इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। वो क्या है कि देखिए, रोजा ये असल में फर्ज है। किताब में भी दलील है, सुन्नत में भी दलील है, और इस पर इजमा है। इस पर क्या है? इजमा है। किताब में दलील क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। किताब से दलील हो गई, सुन्नत से दलील, हदीस से दलील क्या है? इज़ा रअयतुमूहु फ़सूमू, जब तुम चांद को देख लो तो रोजा रखो। ये जो हुक्म आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये वजूब का मुतकाजी है। कोई भी करीना नहीं है जो वजूब से इसको फेर सके। तो लिहाजा वाजिब है, फर्ज है रोजा रखना। चांद नजर आ गया, आपको रोजा रखना पड़ेगा। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने हुक्म दिया है। तो किताब से भी दलील, सुन्नत से भी दलील आ गई। अब अगली जो बात है वो क्या है? इजमा। इसकी फर्जियत पर इजमा हो चुका है। क्या मतलब इजमा हो चुका है? इजमा का मतलब यह है, चाहे सुन्नी हो, चाहे बिदती हो, चाहे किसी भी मकतबे फिक्र का कोई हो, कोई भी इस रोजे की फर्जियत का इनकार नहीं करता है। सब इसके लिए जो है इस बात के मुकर हैं कि ये रोजा हम पर फर्ज है। इस एतबार से कुल के कुल का, तमाम के तमामों का रोजे की फर्जियत पर इजमा हो चुका है। ये पहला इजमा याद रखिए। दूसरा, ये रोजे कब फर्ज हुए? सन 2 हिजरी में फर्ज हुए हैं। इस पर भी सबका इजमा हो चुका। कोई भी मकतबे फिक्र का आलिम हो, आम आदमी हो, इसका इनकार नहीं करता कि सन 2 हिजरी में रोजे फर्ज नहीं हुए थे, ऐसा नहीं। सब मानते हैं कि सन 2 हिजरी में रोजे फर्ज किए गए, इस पर भी इजमा है। तीसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्जियत सियाम के बाद 9 साल तक रोजा रखा है, इस पर भी इजमा है। तो कितने इजमा जमा हो गए? 3 इजमा जमा हो गए। रोजे की फर्जियत पर इजमा है,
सन 2 हिजरी में रोजा फर्ज हुआ है, इस पर इज्मा है। और फर्जियत सियाम के बाद अल्लाह के नबी ने कितने सालों तक रोजा रखा है? 9 साल तक आपने रोजा रखा है, इस पर भी इज्मा हो चुका है। ये 3 इज्मा यहाँ जमा हो गए हैं। लिहाजा जरूरी है एक आदमी के लिए, जब ये मुस्तती है और मोमिन है, मुकीम है, सेहतमंद है, तो ऐसी सूरत में इस फरीजे को पूरा करे, किताब की बात पर अमल करे, सुन्नत पर अमल करे, इज्मा जो हो चुका है उस इज्मा के खिलाफ न करे। अगर वो ऐसा करता है, जानबूझ करके इस फर्जियत का कोई इनकार करता है, वो दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? दायरे इस्लाम से बाहर होगा, काफिर हो जाएगा। अगर वो इस फर्जियत का इनकार करता है, इस रुकनियत का इनकार करता है, हाँ सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से, अगर वो फर्जियत का इनकार नहीं करता, रोजे नहीं रखता है, तो ऐसी सूरत में हम उसको काफिर नहीं कहते, हम उसे काफिर नहीं गर्दानते। लिहाजा रोजों की फजीलत पर, रोजों की अहमियत पर इतनी ही बात काफी है। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है ये। अगर रुकन निकल गया, इमारत ढह जाती है, इमारत गिर जाती है। लिहाजा अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमजान। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, उनमें से रोजा एक बुनियाद है। बुनियाद ढह जाए, इमारत गिर जाती है। तो लिहाजा अगर कोई इस फर्जियत का इनकार कर दे, तो गोया उसने इस्लाम की इमारत को गिरा दिया। गिरा दिया का मतलब है कि दायरे इस्लाम से वो क्या हो गया है? बाहर हो गया है। तो इसीलिए इस बात को याद रखिए, अभी रोजा हमारा शुरू नहीं हुआ है, शहर रमजान शुरू हो गया है। रोजा कब से शुरू होगा? आपसे शुरू हुआ है। शरीयत की इस्तिलाह में कब से है? तुलुए फज्र से लेकर गुरुबे आफ्ताब तक, इबादत की नीयत से, खाने पीने जिमा वगैरह से रुकने का नाम रोजा है। कभी रोजा शुरू नहीं हुआ। जब रोजा आपका शुरू होगा, तो लिहाजा लाजमी तौर पर आपका जहन ये होना चाहिए कि मैं रोजा रब की इबादत के तस्वुर से रख रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप आदतन रोजा रख लें, आप शौकी तो शौकिया रोजा रख लें, आप सेहत को बनाने की गर्ज से रोजा रख लें, तो ये शरई रोजा नहीं होगा। आज के दर्स में इतनी बातें मेरे लिए आप तमामों के लिए काफी वाफी हैं। अगले दुरूस में इंशाअल्लाह कुछ और बुनियादी बातों का हम तज़किरा करेंगे। एक बात खुलासे के तौर पर मैं पूछना चाहता हूँ, कितने इजमा जमा हुए आज के दर्स में? कितने इजमा जमा हुए? इजमा जिस पर सबका इजमा है, सब जमा हो गए, कितने हैं? 3 है माशाल्लाह। पहला कौन सा है? रोजे फर्ज हैं, इस पर सबका इजमा है। दूसरा, सन 2 हिजरी में रोजे फर्ज हुए, इस पर सबका इजमा है। तीसरा, अल्लाह के नबी फर्जियत सियाम के बाद कितने साल तक रोजा रखते रहे? 9 साल तक आपने रोजा रखा है, इस पर भी इजमा है। आइंदा भी दुरूस हमारे ऐसे ही रहेंगे, कुछ इल्मी बातें होंगी, कुछ हम आपसे पूछेंगे, कुछ आप, असल में इल्म हासिल करना चाहिए। मैं जज्बाती तौर पर बोलूं, आप सुने जाएं, वाह वाह बहुत अच्छा था, ये नहीं, असल इल्म आना चाहिए। लिहाजा इंशाल्लाह एक एक रिवायत, उससे मुतालिक मसाइल को हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह मुझे आप सबको जो भी शरई अहकाम है उसे समझ करके उस पर अमल पैरा होने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता करे। हमारी इस नशिस्त को अल्लाह कबूल फरमाए, हर दिन की नशिस्त को अल्लाह कबूल करे। शहर रमजान की रुखसती से पहले अल्लाह ताला हमारी मगफिरत करे, हमें जहन्नम से आजाद करे, हमें जन्नत का मुस्तहिक बनाए। हमारे सियाम क़याम सदका खैरात सारी नेकियों को अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे इफ्तार करवाने के अहतमाम को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सारे खैर को, तिलावत कुरान को और दीगर चीजों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए दुनिया आखिरत में कामयाबी के असबाब मुहैया फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए अमन अमान के फैसले सादिर फरमाए। हर शर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।